हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशहरा पर निबंध। दशहरा भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में दशमी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। इसी खुशी के कारण दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ दशहरा का दिन महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। दशहरे के 9 दिन पहले से जगह जगह रामलीला शुरू होती है। दशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। इन पुतलों पर पटाखे बांधे जाते हैं। इन पटाखों से
अनेक प्रकार की आवाज निकलती है। दशहरा पर्व मनाने के लिए जगह जगह मेलों का भी आयोजन किया जाता है। मेले में तरह तरह की वस्तुएं जैसे चूड़ियां, खिलौने, कपड़े आदि वस्तुएं देखने को मिलती हैं। दशहरा वर्ष की तीन अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। इस दिन लोग नया कार्य आरंभ करते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई का संदेश देता है। इस त्योहार से हमें सच्चाई, आदर्श और मानवता की अमूल्य शिक्षा मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।